दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, आपको अगर अपने मोबाइल में एक से ज़्यादा व्हाट्सएप चलाने हैं, एक नहीं दो नहीं बिल्कुल तीन, बिना किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के, कोई भी मल्टी एप्लीकेशन डाउनलोड किए बिना डायरेक्ट आप अपने मोबाइल में तीन व्हाट्सएप थ्री व्हाट्सएप चला सकते हो बिल्कुल अलग अलग नंबरों से, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। तो आप यहाँ पे जैसा कि देख सकते हो मेरा जो डिवाइस है उसमें दो व्हाट्सएप आपको ऑलरेडी दिख रही हैं। मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको, एक है यहाँ पे व्हाट्सएप बिजनेस, एक है डायरेक्ट व्हाट्सएप, और अगर मैं इसमें एक और व्हाट्सएप ऐड करना चाहूँ तो वो भी मैं बड़ी आसानी से कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे कोई भी अलग से एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करनी पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले तो आपको आपके मोबाइल में जो सेटिंग है उसे ओपन करना है। सेटिंग ओपन करने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे जो आपका सर्च बार है उसमें आपको लिखना है डुअल, DUAL, डुअल। डुअल इस तरीके से लिखने के बाद में आपके सामने कुछ ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे। आपको डुअल ऐप्स पे क्लिक करना है कुछ इस तरीके से। जैसे आप डुअल ऐप पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे ऊपर व्हाट्सएप का जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा, आप सिंपल इसे क्लिक करोगे। इसे क्लिक करने के बाद में आपको डुअल ऐप का जो ऑप्शन है उसे इनेबल कर दोगे टिक करके, तो आपका जो तीसरा व्हाट्सएप है वो क्रिएट हो जाएगा। उसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पे इंस्टाग्राम चला सकते हो, फेसबुक चला सकते हो, और जितनी भी ऐप्स आपको यहाँ पे दिख रही हैं उनका एक डुअल क्रिएट आप कर सकते हो। तो चलिए मैं बैक आता हूँ और आपको दिखाता हूँ, एक दो तीन, तीसरा जो व्हाट्सएप है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आप इसे बड़ी आसानी से ओपन करके आपका जो मोबाइल नंबर है उसे आप इसमें रजिस्टर कर सकते हो। आप एक साथ तीन मोबाइल तीन व्हाट्सएप अलग अलग नंबरों से बड़ी आसानी से अपने मोबाइल में यूज कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।